एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एमके ग्लो जोन और मैं हूं आपकी होस्ट ममता। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूं अपना इयररिंग कलेक्शन। एक्चुअली मुझे काफी वीडियोस में ही कमेंट आया हुआ है कि मैम आपकी इयररिंग्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप कहाँ से लेती हैं प्लीज बताएंगे। तो मैंने उस पर उनको रिप्लाई नहीं किया है, तो मेरा रिप्लाई ये है आप लोगों के लिए कि मैं पर्टिकुलर किसी दुकान से परचेजिंग नहीं करती हूँ। अगर मुझे ऑनलाइन सही लग जाता है तो मैं ऑनलाइन परचेज कर लेती हूँ, अगर मुझे रोड साइड पे कुछ सही लगता है तो मैं रोड साइड से ले लेती हूँ। ऐसा कोई मेरा पर्टिकुलर नहीं है कि मुझे इसी दुकान से लेना है या फिर इसी ऑनलाइन शॉप से लेना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो बहुत ही छोटा सा कलेक्शन है मेरा, कोई इतना बड़ा कलेक्शन नहीं है इयररिंग्स का, तो मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं दिखाऊंगी कि मैं इस बॉक्स के अंदर अपने सारे इयररिंग्स रखती हूँ। एक्चुअली ये बॉक्स मैंने स्पेशली इयररिंग्स के लिए नहीं खरीदा है, ये गिफ्टेड है। ये मेरी मॉम ने मुझे दिया था दिवाली के टाइम पे, इसमें ड्राई फ्रूट्स थे, तो जब ये खाली हो गया तो मैंने इसके अंदर इयररिंग्स रख दिए, क्योंकि और कुछ इसमें आना नहीं है। नेकलेसेस वगैरह एक आएगा, उसके बाद आएगा नहीं, बट इयररिंग्स काफी आ जाते हैं इसमें। ओके, तो अब इसको मैं ओपन करती हूँ। अब इसके अंदर मैंने एक ये कपड़ा रखा हुआ है, ये बहुत सॉफ्ट है। ये आपने देखा होगा जो हार्ट वाली पिलोज नहीं होती है, हार्ट वाली जो पिलो होती है उसका जो ये जब खराब हो गई ना, तो इसका जो कपड़ा था, मतलब इसकी जो रुई थी वो मैंने निकाल दी, इसका जो कपड़ा था उसको मैंने अच्छे से वॉश किया और फिर मैंने अपनी इयररिंग्स को कवर करने के लिए ये रखा है। क्योंकि जो इयररिंग्स होते हैं ना, अगर उनमें बाहर की हवा लगती है, गंदगी लगती है, तो जैसे जो सिल्वर वगैरह होते हैं वो ब्लैक पड़ जाते हैं, जो गोल्डन होते हैं उनका कलर ही अजीब हो जाता है, मतलब फिर वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो थोड़ी सी केयर आपको अपने इयररिंग्स की करनी होगी, क्योंकि भैया इतने महंगे महंगे हम खरीदते हैं तो थोड़ा सा उनको केयर से रखना होता है। ओके, खरीद वही ना, हाथी सब खरीद लेते हैं पर उसे पालना मुश्किल होता है। वही हाल है कि हम ज्वेलरीज तो खरीद लेते हैं बट उनको ढंग से रखना हम भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी ज्वेलरी खराब हो जाती है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं दिखाऊंगी आपको बहुत ही छोटी छोटू से, जो मैं ऑफिस जाने के लिए ज्यादातर इस्तेमाल करती हूँ, और ज्यादातर जो मेरी इयररिंग्स है मैं बताना चाहूंगी, वो मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोर है नीमा कलेक्शन, तो उससे परचेज किए हुए हैं, क्योंकि बहुत ही रीजनेबल मुझे वहां पे मिल जाते हैं। 3-4 मंगा लो और मजे करो बस, और डिलीवरी भी टाइम पे मिल जाती है, तो बहुत ही अच्छा मुझे वो लगा। नीमा कलेक्शन करके इंस्टाग्राम स्टोर है, तो आप वहां से देख सकते हैं। ओके, तो मैं अब स्टार्ट करती हूँ अपने दिखाना इयररिंग। सबसे पहले मैं छोटे छोटे इयररिंग दिखाऊंगी, तो ये आप देख सकते हैं, इनको भी पैकेट से भी नहीं निकाला, और पैकेट से मैं निकालती भी हूँ तो एज इट इज इसमें रख देती हूँ, इसमें सेफ लगता है मुझे। तो ये है सबसे पहले छोटे छोटे ब्लू कलर के, ये मेरे सूट के साथ मैच हो जाते हैं, तो इसलिए सेम ऐसे ही मैंने ब्लैक कलर की छोटी छोटी झुमकियां और ली हुई है। ये देखो कितने छोटे छोटे, ये मेरे मोस्टली होते हैं ऑफिस जाने के लिए, हर टाइम बड़े बड़े नहीं वेयर कर सकती हूँ, इस वजह से थोड़ा छोटा छोटा लेना पड़ता है। एक ये है छोटे से ब्लैक कलर के हैं, ये इस पे स्पार्कल्स हैं, मतलब चमक रहे हैं, आप देख रहे हैं उसकी शाइन। उसके साथ है ये प्यारी प्यारी झुमकियां, अच्छी लगती हैं ये भी बहुत कभी कभी तो, और कुर्ती इस पे तो बहुत सुंदर लगती हैं। उसके साथ ये है एक बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर का है, सेम ऐसा मेरे पास एक पीस और है ब्लू कलर का है वो, बट वो अभी है नहीं इसके अंदर, आई थिंक ड्रेसिंग टेबल पर रखा हुआ है। तो ये है वो गोल्डन कलर के हैं, इसके जो ये बीट हैं गोल्डन कलर के हैं। ओके, तो अब बारी है थोड़े से बड़े इयररिंग्स की, थोड़े से बड़े इयररिंग्स, ज्यादा बड़े नहीं, थोड़े बड़े से। तो एक है ये ऑक्सीडाइज पॉलिश में है, ये रोड साइड से लिया हुआ है। ओके, ये ऑक्सीडाइज पॉलिश में है और ब्लैक कलर के हैं, ये भी कुर्तीज के साथ ही वेयर करती हूँ मैं। उसके साथ साथ जो मुझे लगता है ना थोड़े से वाइट में है, इन पे धूल मिट्टी लगेगी तो ये खराब हो जाएंगे, तो मैं उनको ऐसी पॉलिथिन में ही रखती हूँ, जिस पॉलिथिन में वो आते हैं उन्हीं पॉलिथिन में रखती हूँ। ओके, तो ये देख सकते हैं आप, ये है स्क्वायर और इसमें लगा हुआ है एक नीचे झुमका, झुमका झुमका झुमका, अच्छा है ना। उसके बाद जैसे मैंने वेयर किए हुए हैं सेम ऐसे में बड़ा साइज, मैंने जो वेयर किए हुए हैं उसी का बड़ा साइज है ये।
उसके बाद में ये बहुत ही प्यारे से बहुत सुंदर है यार, बहुत ही अच्छे हैं ये तो। ये भी मैंने इंस्टाग्राम स्टोर नीमा कलेक्शन से लिया हुआ है, बहुत ही प्यारा है। देखो झुमके लगे हैं, दो लाइंस हैं झुमकों की, ये झुमके नहीं सॉरी घुंघरू, घुंघरू लगे हुए हैं, दो लाइन है घुंघरू की, बहुत ही प्यारा लगता है। और ये ऐसा है ना, ये एक ऐसा है जो वन पीस पे भी सुंदर लग रहा है। वन पीस अगर आप वेयर करना अच्छा लगता है आपको, तो उस पे भी ये बहुत सुंदर लग रहा है। अब देखते हैं थोड़े से पार्टी वेयर, तो पार्टी वेयर ये देखिए, ये है, ये भी मैंने रोड, ये मैंने रोड साइड से ही लिए हुए हैं। ये भी ग्रीन कलर के हैं ये, और पान का पत्ता बना हुआ है, नीचे एक लटकन है। ओके, ये सूट साड़ी जिनके साथ भी आपको वेयर करना ही पहन सकते हैं आप। एक मेरे पास ये कलेक्शन है, एक मेरे पास ये है ब्लैक एंड गोल्डन में, ये भी मैंने रोड साइड से ही लिया हुआ है, ये भी बाहर से ही खरीदा हुआ है, प्यारा लग रहा है ना। मेरे हिसाब से मेरा कलेक्शन मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है, मतलब मेरे पास वो सब है जो मैं पार्टी में भी, मतलब मुझे कभी सोचना नहीं पड़ता भैया कि अभी कल पार्टी में जाना है तो मैं अभी क्या पहनूं। तो ये है एक, देख सकते हैं ये भी गोल्डन और पर्पल में है, और कलर भी ऐसे मेरे पास मोस्टली वो वैसे ही कलर के हमारे पास कपड़े होते हैं, और कंट्रास्ट लगा लेते हैं कभी कभी, कंट्रास्ट में पहन लेते हैं। और हाफ झुमकी है, फुल झुमकी नहीं है, हाफ झुमकी है। तो ये बहुत ज्यादा लाइट वेटेड है, ज्यादा भारी नहीं है पहनने में। ओके, उसके साथ साथ एक और है मेरे पास जो मैंने रोड साइड से लिया हुआ है, ये झुमकी, ये बहुत ही बेसिक झुमकियां हैं बट सुंदर लगती हैं साड़ीज के साथ, बहुत सुंदर लगती हैं। अब एक ये देखिए, ये थोड़ा लॉन्ग है पर इतना लाइट वेटेड है, इसको पहन के लगता ही नहीं कि ये मतलब पहन रखा है कुछ कानों में। ये देखिए मल्टी कलर है, रेड ग्रीन ब्लू, तो किसी भी कपड़ों के साथ चलेगा बट गोल्डन काम का होना चाहिए वो। ये मैंने नीमा कलेक्शन से ही लिया हुआ है। और उसके साथ है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत ही प्यारा ये अभी मैंने खरीदा है, ये देखो कितना सुंदर डिजाइन है ना, डिफरेंट है थोड़ा सा, ब्लैक और गोल्डन है, और बीच में, हाँ ब्लैक और गोल्डन ही है सॉरी, मुझे लगा पिंक कलर का एक शाइन आ रहा है, पिंक भी है पर ब्लैक और गोल्डन ही है। ये लिए हैं मैंने नीमा कलेक्शन से, ये रिसेंट मंगाए हुए हैं, अभी मंगाए हैं, अच्छे है ना। तो बस यही था मेरा प्यारा सा कलेक्शन, जिसमें थोड़े से पार्टी वेयर भी हैं, थोड़े से छोटे वाले भी हैं, और थोड़े से बाहर जाने के लिए कभी कभी आपको वन पीस वेयर करना है या कुछ ऐसा मन कर रहा है, थोड़े से बड़े बड़े इयररिंग्स पहने तो वो भी है। तो काफी अच्छा कलेक्शन है, और ये सब मैं वेयर करती हूँ, मेरी वीडियोस में भी आप देखते होंगे, मैंने काफी सारे तो मैंने यूज कर लिए हैं वीडियोस में। तो यही था मेरा कलेक्शन, और मैंने बता दिया जो मैंने नीमा कलेक्शन से लिया था वो भी बता दिया, और जो मैंने रोड साइड से लिया था वो भी बता दिया है। तो कैसा लगा आपको मेरा ये इयररिंग कलेक्शन, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। गाइस जो भी नए जुड़े हैं मेरे चैनल के साथ, प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, किसी भी चीज पे होम रेमेडी चाहिए या किसी भी प्रोडक्ट का आपको रिव्यू चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके गाइस, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।